रिस्पेक्टेड लीडर्स और यहाँ मौजूद सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। साथियों, आज कैंपसेस का सिचुएशन और देश का सिचुएशन मुझे लगता है बहुत अलग हमारे लिए है। नहीं, हम लोग अभी देख रहे हैं कि टोटल वॉर की सिचुएशन इस देश में पैदा कर दी गई है। आज आई थिंक प्राइमरी के बच्चों को छोड़ के और कोई तबका इस देश में नहीं बचा है जो सड़क पर ना उतरा हो। इस देश के किसान, इस देश की महिलाएं, इस देश के मजदूर, इस देश के छात्र, इस देश के नौजवान, इस देश में वो लोग जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो नौजवान सब कोई, CBSE के छात्र इस देश में सब कोई सड़क पर उतर चुका है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष में एक अलग समझदारी के लोग बैठे हैं जिनकी समझदारी एकदम हिटलर की सोच से, हिटलर की समझदारी से मिलती है। आज हम देखते हैं कि उस दौर को तब वो फांसीवाद कहते थे और आज भी हमारे देश में जिस तरीके से सत्ता पक्ष कुछ चीजों को चलाने की कोशिश कर रहा है, उस दौर में हम जानते हैं और ये हम लोगों ने ऐतिहासिक रूप से देखा है कि एक कल्चरल नेशनलिज्म के नाम पे हमेशा एक जो सबसे पिछड़ा तबका होता है देश का, उसी को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है। आज उस देश में यही हो रहा है। आज जिस मुद्दे पे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन इन हायर एजुकेशन के ऊपर बात करने के लिए आए हैं और वो मुद्दा एकदम साफ इस देश में दिखाई दे रहा है। लगातार जिस तरीके का माहौल देश में पिछड़े तबकों के लिए पैदा किया जा रहा है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि जो सदियों से जिन्हें वंचित किया गया शिक्षा में आने के लिए, आज भी उन्हें इस देश में शिक्षा से बाहर ही रखा जाए। जहाँ पे एक तरफ हम लोग ये देख रहे हैं कि देश का माहौल किसी के लिए भी अभी फेवरेबल नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि इस देश में आज इतने सालों बाद आजादी के SC ST एक्ट जो है, मौजूदा SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है, उसको डाइल्यूट कर दिया जाता है ये बोल के कि आप फेक केस करते हैं। किसी केस का प्रूफ ना होना पहली बात तो फेक केस नहीं होता और ये कोर्ट से बोला जाता है और वहां पे हमारे लोकतंत्र के, सो कॉल्ड लोकतंत्र के इलेक्टेड, हमारी जो सरकार है उनके रिप्रेजेंटेटिव ये मुंह खोल के नहीं बोलते हैं कि इसकी जरूरत है। इस देश में उस दौर में आज हम खड़े हुए हैं जहाँ पे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सहारनपुर करवाते हैं, शब्बीरपुर करवाते हैं, लेकिन शिक्षा में जो हालात है वो किसी से हम लोगों के सामने अछूते नहीं। उसको तीन लेवल पे सरकार एकदम स्ट्रेटेजिकली अप्लाई कर रही है। एक लेवल होता है कि UGC MHRD से एक फरमान निकाल देना, एक लेवल हो रहा है कि आप कोर्ट से कोई भी वर्डिक्ट ले आइए जहाँ पे रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। UGC में 50% आज आपसे बोला जा रहा है, रिटर्न में अगर आपका 50% आएगा तभी आप MPhil PhD के लिए, आप रिसर्च के लिए क्वालिफाई होंगे। उसमें रिजर्वेशन कहाँ है इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तीसरा, ये जो हथियार अपनाते हैं वो हथियार है कि अपने चमचों को हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में इन्होंने बैठा रखा है प्रिंसिपल्स बना के। वहां पे आप आंदोलन पे आंदोलन करते जाइए और इनके सर पे जू तक नहीं रेंगती क्योंकि आका का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है। और ये हालात सब कॉलेजेस और सब यूनिवर्सिटीज में अभी सरकार ने पैदा कर दिया है। हमें लगता है कि इसके सामने हम लोगों को एकदम साफ साफ कुछ चीजें दिखाई देती है। अभी कुछ ही दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बात बोला था कि हम लोग रिजर्वेशन तीन टायर में नहीं देंगे, हम लोग रिजर्वेशन सिर्फ एक टायर में देंगे। और आज उसका इस्तेमाल करके लोग क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अच्छा तुम लोगों ने फॉर्म तो खरीद लिया, वहां पे तो तुमको रिजर्वेशन दे ही दिया है, बाकी लोग से तो हम 1000 रुपए मांग रहे हैं, तुमसे तो हम 500 ही मांग रहे हैं, इसलिए आगे तुम्हारे एडमिशन के लिए तुमको कोई रिजर्वेशन नहीं देंगे। इस हालात में भी आज देश को चलाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसी दिल्ली में 3 लाख मजदूर सड़कों पे बैठे थे दिल्ली के, उसी तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा कि लंबा 50,000 से ज्यादा किसान सड़कों पे उतरे थे, वैसे ही SSC के छात्र दिल्ली की सड़कों पे उतरे थे। उसी तरीके से एक नेशन वाइड सॉलिडारिटी हम लोगों को बिल्ड करना होगा, क्योंकि जहाँ तक रही संसद की बात, जहाँ तक रही कोर्ट की बात, वो तो हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पे देख चुके, हमारे साथ नहीं है। इसीलिए ये लड़ाई सड़कों पर ही लड़ी जानी है और JNU छात्रों की तरफ से और JNU SU की तरफ से ये चीज का यकीन इस मन से हम दिलाना चाहते हैं कि इस लड़ाई में हम अपनी तरफ से हर पुरजोर कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक नेशन वाइड सॉलिडारिटी बने और 19 में ये बताया जाए कि ये देश हमारा अभी भी है, तुमको हम ही बैठाए थे, हम ही उखाड़ के फेंकेंगे। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।